नमस्कार मित्रों, जब से OMG 2 की अनाउंसमेंट हुई थी तभी से लोगों के मन में डर तो था कि ये लोग OMG 1 की तरह ही फिर से लोगों की भावनाओं को आहत तो करेंगे ही। और फिर जब अक्षय कुमार ने ये कह दिया कि उनकी अगली फिल्म सेक्स एजुकेशन पर आधारित रहने वाली है, तब तो ये लगभग तय ही हो गया था कि कुछ न कुछ ये लोग ऐसा जरूर दिखाएंगे कि जो जनता की भावनाओं को आहत करेगा। खबर ये है कि OMG 2 LGBTQ एजेंडा पर आधारित रहने वाली है। इसमें सेम सेक्स मैरिज और होमोसेक्सुअलिटी को उचित ठहराने के लिए भगवान के नाम का सहारा लिया जाएगा। फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान शिव की कथाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हुए ये लोग अपना एजेंडा चलाने वाले हैं। इस कारण से फिल्म में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो जनता की भावनाओं को कुचलेगा, और यही कारण है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर तात्कालिक रोक लगाते हुए उसे रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया है, क्योंकि आदि पुरुष को सेंसर बोर्ड ने बहुत ही आसानी से स्वीकृति दे दी थी, बिना किसी झंझट के उसे पास कर दिया था। और आदि पुरुष ने ऐसा कुठाराघात किया भारतीयों की भावनाओं पर कि लोगों ने सेंसर बोर्ड की भी कटु आलोचना करी। तो इस बार सेंसर बोर्ड अपना क्रिटिसिज्म नहीं चाहता, वो फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास में भेजकर खुद को बचाना चाहता है। अब इसी बात से आप कल्पना कर सकते हो कि फिल्म में क्या होगा, किस तरह का चित्रण किया गया होगा, किस तरह की भाषा शब्दावली का प्रयोग किया गया होगा कि आदि पुरुष जैसी निम्न स्तर की फिल्म को सर्टिफिकेट देने वाले सेंसर बोर्ड को भी ठीक नहीं लगी। मित्रों, अक्षय कुमार सहित फिल्म के निर्माता, निर्देशक और भी जितने लोग हैं जिन्हें LGBTQ समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ना है, समाज में जागरूकता लानी है, उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक रहा। आप कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम भगवान के नाम पर तो ना कीजिए। बहुसंख्यक समुदाय की आस्था को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत तो ना कीजिए। भगवान शिव जी का गलत चित्रण करके क्या लाभ मिलेगा आप लोगों को? मेरे मन में तो बार बार ये आ रहा है कि आखिर अरुण गोविल जी इस फिल्म को करने के लिए तैयार कैसे हो गए। सच कहूं तो जब अरुण गोविल जी का नाम इस फिल्म से जुड़ा था तब मुझे लगा था कि इस बार इस फिल्म में कुछ भी गलत नहीं दिखाया जाएगा, कुछ भी उस तरह का नहीं होगा जैसा कि OMG 1 में हमें देखने को मिला था। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है उससे यही लगता है कि शायद अरुण जी से एक भूल हो गई है। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा कि उन्होंने इस फिल्म में काम करना स्वीकार कैसे कर लिया। मित्रों, एक बात तो तय है कि आदि पुरुष ने जितना रक्त आप लोगों का चलाया है उससे कहीं अधिक रक्त OMG 2 चलाने वाली है। बाकी वास्तविकता तो तभी पता चलेगी जब ये फिल्म रिलीज होगी। यहाँ पर एक बात अक्षय कुमार के बारे में विचार करने वाली है कि आज से कुछ समय पहले तक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत लगातार हिट फिल्में देने वाले अक्षय कुमार अब लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं। अक्षय कुमार का ये फ्लॉप फिल्में देने का जो सिलसिला है ये लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म से शुरू हुआ था, जो जनता ने उनकी इस फिल्म का विरोध किया था और वो फ्लॉप हो गई थी। तब से लगातार ये सिलसिला बना हुआ है, क्योंकि तब से कहीं ना कहीं साल में 5 फिल्में देने के चक्कर में उन्होंने घटिया स्क्रिप्ट्स का चुनाव शुरू कर दिया, इसके साथ में घटिया एक्टिंग भी करी। अगर उनकी घटिया एक्टिंग आपको देखनी है तो आप पृथ्वीराज चौहान मूवी देख सकते हैं, जो कि हिस्टोरिकल फिल्म हो सकती थी, लेकिन उसमें डायरेक्शन से लेकर एक्टिंग से लेकर सब कुछ इतना घटिया, इतना निम्न स्तर का है कि जनता ने उसे पूरी तरीके से नकार दिया। अब देखना होगा कि रिव्यू कमेटी अक्षय कुमार की इस फिल्म पर क्या कहती है, कितने कट लगाने के लिए सजेस्ट करती है। अगर फिल्म के मेकर्स कट लगाने को तैयार नहीं हुए तो ये विषय कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला ही अंतिम होगा। ऐसे में देखना होगा कि 11 अगस्त को अक्षय कुमार की ये OMG 2 रिलीज हो पाती है या नहीं। बाकी आपके इस पर क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम, जय मां भारती।